जय गुरुदेव। आज हम आपको पूरी 10 महाविद्याओं के नाम और उनके कार्य से अवगत करा रहे हैं। ये पूरी 10 महाविद्याएं हैं। पहली है श्री महाकाली, इनकी साधना शीर्ष फलदायी है और प्रबल शत्रुहंता देवी हैं, वाक सिद्धि देने वाली हैं, महिषासुर मर्दनी हैं। दूसरी महाविद्या है श्री तारा, इनका मुख्य कार्य है आर्थिक उन्नति कराना और पूर्ण ऐश्वर्यशाली जीवन प्रदान करना। तीसरी है श्री त्रिपुर सुंदरी, इनकी साधना अधिकतर राजा महाराजा लोग करते थे। ये जीवन में काम, सौभाग्य व शरीर सुख प्रदान करती हैं। इसके साथ साथ वशीकरण, सरस्वती सिद्धि, लक्ष्मी सिद्धि, आरोग्य सिद्धि भी प्रदान करती हैं। चौथी शक्ति का नाम है श्री भुवनेश्वरी, ये आद्याशक्ति कहलाती हैं, मूल प्रकृति कहलाती हैं। सभी तांत्रिक लोग इनकी साधना एक बार अवश्य करते हैं। पांचवी शक्ति है छिन्मस्तिका देवी, छिन्मस्तिका महादेवी जीवन में पूर्णता देने में समर्थ हैं और वायुगमन प्रक्रिया सीखने के लिए भी इनकी साधना की जाती है। छठवी महाविद्या है श्री त्रिपुरा भैरवी, जो कि शत्रु संहार में कार्य आती है। तीर तंत्र बाधा निवारण में भी इनका उपयोग किया जाता है, सौंदर्य में निखार आता है। सातवीं शक्ति है श्री धूमावती महाविद्या, जो निर्भीक रहना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, यशमान प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, वे इनकी साधना करते हैं। आठवीं शक्ति है श्री बगलामुखी देवी, मुकदमे में विजय प्राप्त करने के लिए, शत्रु बाधा को समाप्त करने के लिए इसकी साधना की जाती है। नौवीं शक्ति है श्री कमला महाविद्या, इनको महालक्ष्मी भी माना जाता है। सुख सौभाग्य के लिए इनकी साधना की जाती है, आय का पर्याप्त स्रोत प्राप्त करने के लिए भी इनकी साधना की जाती है। दसवीं महाविद्या है श्री मातंगी, यह साधना संपन्न करने से साधक जीवन में सभी आयामों को स्पर्श करते हुए संसार में अद्वितीय महापुरुष बनने का गौरव प्राप्त कर लेता है। यदि किसी भी व्यक्ति को यह जानना है कि इसके लिए कौन सी महाविद्या साधना उपयुक्त रहेगी, तो वह हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके जान सकता है। जय गुरुदेव।